हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मानिता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक। और ये देखिए, हमारी भतीजी की बन गई चुटिया, और इसमें इतनी चुटिया बना दी कि बालों में बहुत ज़्यादा, और हमने बना के देखी तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही। और आप लोग को भी देखना कितनी अच्छी बनी और कितनी अच्छी लग भी रही है, बहुत ही अच्छी, मतलब एकदम परफेक्ट, बहुत सुंदर लगी। और चलो आगे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आप लोगों से मिले तो। और अब हमारी हो रही है घर से चलने की तैयारी जोरों शोरों से। कहाँ जा रहे हो आगे आपको पता चल ही जाएगा। पूरी जोरों शोरों से हम तैयार हो चुके हैं और चल रहे हैं शॉपिंग के लिए, जो हमें जाना है बहुत दूर, क्योंकि शॉपिंग, ये देखो, शॉपिंग करना भी ज़रूरी होता है। और ये शॉपिंग का काम हमारा रोज़ है, रोज़ जाना पड़ता है, करनी पड़ती है। और ये देखो, अब लॉक लगा देते हैं दरवाजे का, और यहाँ पर कुत्ता हमारा बैठा हुआ है। और ये है सामने वालों का घर, जो अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और ये गली से हम दिए हैं चल, अब जा रहे हैं मार्केट। हमारी मार्केट ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये आ गई हम अपनी मार्केट में, जो है बहुत अच्छी। यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, अभी थोड़ा सामान यहाँ से लेंगे, फिर जाएंगे आगे जहाँ हमें बहुत ही ज़रूरी सामान लेना है। और देखो ये आम वाम, जो फल फ्रूट सब कुछ यहाँ मिलते हैं, हमने ले लिए। केले वेले फ्रूट सब बिल्कुल एकदम अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे भी लगे। और प्राइस भी यहाँ बिल्कुल एकदम अच्छे है, बिल्कुल। ये देखो हमारी फ्रूट, सब चीज़ बहुत अच्छी है, बिल्कुल फ्रूट जो यहाँ मिलते हैं। और अब चल दें हम आगे के मार्केट में, जो बैठ लिए हम रिक्शा, ऑटो रिक्शा में, और यहाँ से जाएंगे हम। आप लोग देखना हम कहाँ जाएंगे, ये देखो। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं अब। और ये आ गए हम, देखो ये आ गए हम अब रिलायंस में मॉल, जो बहुत अच्छा था और देखने में बहुत मन भी लगा, बहुत बड़ा काफ़ी और अच्छा भी था। जो देखो, आप लोग देखो कितना बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं इसमें अंदर, आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा है कैसा नहीं। हो जा रहे हैं हम, दिखा देते हैं आप लोगों को। अब इसके अंदर हम आ चुके और जा देख रहे हैं बहुत सामान, और सामान इतना है कि बस इतने सामान को देखकर ही अच्छा लगता है लेना। तो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें है वो ही लेते हैं। यहाँ मैं देख रही थी कि हमने भी खरीदे हुए हैं, यहाँ पर सामान कैसा है वो है, तो देख लेते हैं अच्छे से। बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट सामान था, अच्छा था। ये कपड़े वपड़े बिल्कुल प्राइस भी रिजनेबल थे, अच्छे थे। लेकिन हमें तो जो ज़रूरत थी वो सामान लेंगे, फालतू फालतू का तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और यहाँ देखो सामान, मतलब इतना था कि इतना था पूरी की तो वीडियो बनाना भी बहुत बड़ा काम हो जाता, पूरे में तो घूम भी नहीं पाए। जो हमने देखा वहीं तक की हमने वीडियो बना ली अपनी। और चलो देख लेते हैं आगे चलेंगे, फिर आप लोगों को भी लेके चलते हैं आगे जहाँ बहुत सामान है। इतना देखो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा है। बड़े तरीके से सामान लगा हुआ था, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। ये देखो, और हम देख रहे हैं यहाँ बर्तन वर्तन, पता नहीं क्या क्या सामान था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ज़रूरत हमें किसी भी चीज़ की नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पहले से अवेलेबल है ये सामान, हर किसी के घर में होते हैं। फूल पौधे पत्ते सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ हम लेके आ गए हैं अब सामान, और देखो हम हंस रहे हैं आके,
ये देखो कितना अच्छा है बाहर भी, बहुत अच्छे से। मतलब हमने शॉपिंग की, थोड़ा बहुत सामान की जरूरत थी, हमें कोई खास सामान नहीं लेना था, हम आए थे घूमने के लिए, सोचा चलो थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं और अच्छा भी लगेगा। अब हम जल्दी आ गए हैं अपने घर, अब घर की तरफ को अपने आ गए हम। अब खोल देगी बहू नानी दरवाज़ा और ये देखो अपने घर आके थकान उतर जाती है। सामान तो हमने थोड़ा बहुत ही लिया जो हमें ज़रूरत थी, पीछे लड़की मेरी भतीजी भी लिए हुए एक थैला, और ये थोड़ा थोड़ा सामान दोनों ने ले रखा है क्योंकि ऑटो रिक्शा से उतर के घर तक आए तो वहाँ तक तो पैदल ही आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ तक ऑटो रिक्शा हम लेके नहीं आए कि थोड़ा पैदल भी चलना ज़रूरी होता है। और ये देखो सामान मैं दिखा रही हूँ घर में रख के, क्योंकि मैं यही लेके आई तो सोचा मैंने चलो सामान भी निकाल लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि। और ये पजामा जो है, ये पैंट है जो सिल के आई है, अभी सिलाई है वो लेकर इसको बैठी है, लेके सामान देख रहे हैं पहले क्या क्या हम लेके आए उसकी ट्राई कर रही है और देख रहे हैं क्या क्या सामान। मैं ऐसे बैठी हूँ कि जैसे अभी दौड़ने वाली हूँ यहाँ से, लेकिन अच्छा लगा सामान ला के। ऐसे सामान देखने में और लाने में अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है क्या क्या हमने कहा है। ये थी लीची और केले, फल फ्रूट हमने वहाँ से लिए थे जो आपको मैंने वीडियो में दिखा तो। और यहाँ हो गई है अगले दिन की शाम, शाम के टाइम में बैठी हूँ अम्मा जी के पास जहाँ हम काट रहे हैं करेले की सब्ज़ी। करेले इतने छोटे छोटे हैं कि मैंने यहीं आके ये देखे, पहले कभी नहीं देखे। और इतना बड़ा घर है, इतना मन लगता है खुले में बैठ के, बहुत ही अच्छा लगता है। ये फूल पौधे हमारे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मतलब मज़ा ही आ जाता है। देखो गुलाब का, गुड़हल का फूल, सब कुछ है, देखो कितने प्यारे हैं। जो सूख गए हमने तोड़ लिया, क्योंकि हमें चाहिए गुड़हल के फूल बहुत ही अच्छे होते हैं, जो खिल के मुरझा जाते हैं फिर हम इनको तोड़ के रख लेते हैं, क्योंकि काम की चीज़ें ही देखो कितने अच्छे हैं। और यहाँ घास भी अब हरा भरा होने वाला है, बारिश का मौसम जो आ चुका, और ये सब अच्छा हो जाएगा बहुत ही। और यहाँ बैठे हुए हैं हम अम्मा जी के साथ, करेले काट रहे हैं दोनों, खुश हो गए ना, मज लगे मोबाइल में देखने के लिए। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही। कपड़े भी अम्मा के डले हुए हैं जो बहुत अच्छी आदत की है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं है हमको। और ये हमारा झूला और ये घर बहुत बड़ा, आप लोग वीडियो को देखें एंजॉय किए। और वॉइस ओवर करनी पड़ती है क्योंकि बहुत आवाज़ रहती है, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। और यहाँ हमारा आ गया है नारियल, और नारियल हमारी बहू रानी काट रही है, बिल्कुल अच्छे से काट देती है, बहुत अच्छे से कर देती है नारियल का त्या पंचा, क्योंकि बहुत अच्छा इसको काटना आता है नारियल को। ये पानी निकला एक लोटा भर के नारियल से, इतना सारा, इतना अच्छा नारियल था ना कि इतना पानी निकला बहुत ज़्यादा, और पीने में मज़ा भी आया। और ये करेले की सब्ज़ी है जो अम्मा ने बनाई तो देख गई है, चावल रखे हैं, खाने पीने की अब तैयारी हो रही है शाम के। कोई एक लोटा पानी है, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा होता है इसका पानी पीने के लिए। नारियल हमारा निकल गया और बस और अब हम बैठ गए हैं घर में आके, और जो एक गुड़ बनवाई चाय, चाय हमने पी ली, और ये आ गया अब नारियल गोला जो बहुत ही अच्छा लगा, ताज़ा ताज़ा कट के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मतलब कमाल हो रहे थे इसमें, इतना अच्छा, इतना टेस्टी लगा ना कि बस खाने में मज़ा ही आ गया इसको तो।
बहुत अच्छा लग रहा था। नारियल हमारा बहुत मीठा निकला, मतलब पानी भी और वैसे भी टेस्टी था, मीठा जैसे पता नहीं क्या खा लिया, इतना अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग वीडियो को देखें, एंजॉय कीजिए और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना, बताना आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है। और आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते और ना लाइक करते, मेरे पे ही लाइक रहते हैं, लाइक कोई भी नहीं करता, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल ही जाते हो यार। लाइक कर दिया करो वीडियो को, ऐसा मत करो करो कि बिल्कुल भी, कुछ एक लाइक से हमारा इतना वो बढ़ जाता है ना, हौसला बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते, देख लेते हो। केले वेले हमने सब उठा के रख दिया, बन रही है रात के खाने की, हो रही है तैयारी बिल्कुल एकदम। और अब गोले के हो रहे हैं यहाँ पर टुकड़े टुकड़े, पहले उसको फोड़ा, पानी निकाला, अब उसको छोटे छोटे पीस में करके रख देंगे, क्योंकि जिसका जो मन करा उठा के अपना फटाफट से खा लिया, पूरा रखेंगे तो बार बार कौन तोड़ेगा उसको, तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रख ही देते हैं। यहाँ बना रही है हमारी लड़की खाना, वो छोंक रही है सब्जी जो अब हमें बनानी है, और मैं देख रही हूँ फ्रिज में से कुछ निकाल रही हूँ। चॉकलेट रखी हुई थी कान्हा जी की फ्रिज में, मैंने सोचा चलो कान्हा जी को दे देते हैं, मार्केट से लेके आए थे, जो घुल जाती है बहुत ज़्यादा। ये देखो फ्रिज में रख दी थी आके, मेरे शाम को याद है। ये देखो नारियल का क्या दिल दिल बना दिए नारियल में, जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में भी, तो खाने में तो अच्छा बिल्कुल स्वादिष्ट थे ही। देखो कितने अच्छे दिल बनाए हुए हैं नारियल के, देखो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं हम, कितने अच्छे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। प्लेट में सजा भी दिए, ये देख रही और ये है वीडियो अगले दिन दोपहर की, जहाँ हम बना रहे हैं अब खाना। और खाने में ये देखिए, अब आप लोग देखें हम लोग क्या बना रहे हैं। अब चौंक वोंक हमने काट लिया, सब कस लिए, आलू टमाटर सब बिल्कुल एकदम फिट करके अब बना रहे हैं खाने की तैयार। खाने में बनाने वाले हैं छोले और भटूरे, जो आटा हमने बना के पहले ही रख दिया है बिल्कुल बंद करके पैक करके, और छोले उधर बनाने की तैयारी हो रही है। ये देखो सब कुछ तैयार हो रहा है, टमाटर भी हमारे काट के रख दिए हैं बिल्कुल, ये छोले उबाल के रख दिए थे पहले ही, और टमाटर भी पीस ले मिक्सी से पीसे, वो तो प्याज तो हमने वैसे कर लिए उस कटोरे से चौकर में, वो टमाटर हमने कर लिए थे मिक्सी में, दोनों चीज़ें हमारी हो गई है। और अब छौंकने की तैयारी चल रही है, और मैं यहाँ आ गई अब कमरे में,
मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किचन में फिर आ गई मैं, किचन में देख लेते हैं। ये लीची है जो धो के और इनके डंडी वंडी तोड़ के बिल्कुल साफ़ करके रख देते हैं फ्रिज में, फिर आ जाते हैं काम। और ये देखो हमारा नारियल जो तोड़ा था उसको थोड़ा कद्दूकस करके रख लेता हूँ और मैं खा रही हूँ बहुत आराम से। मैंने सोचा कि चलो चेक कर लेते हैं, खा लेते हैं कैसा लगा। बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, बहुत ही मतलब टेस्टी था बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ हमारे मतलब छोले की सब्ज़ी हमारी बन रही है और बहू रानी हमारी आ गई, तो गई थी नहाने के लिए, नहाई और सिर धोया इसने और अच्छे से बिल्कुल। हमने सोचा जब तक हम कर लेते हैं, सब मिलके काम कर लेते हैं, अच्छे से हो जाता है। और यहाँ आ गई है अब बारिश, और बारिश में अचानक से इतनी तेज़ आई, इतनी ज़ोर से आई कि मज़ा ही आ गया। और गाड़ी हमारी ढकी हुई है सब बिल्कुल एकदम, इतनी तेज़ बारिश आई कि मज़ा ही आ गया। इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, यहाँ हमारे कपड़ों का स्टैंड रखा है क्योंकि गर्मी इतनी थी। सब अच्छा मौसम हो गया एकदम जो बारिश आई। हम बैठ के खा रहे हैं अब सब नारियल, और मैं आ गई बाहर से भीग भीग के, लेकिन मैं फिर जाऊंगी, मुझे अच्छा लगा बारिश में। इतनी गर्मी जो हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, और बारिश अब अच्छी खासी जम के हो गई और सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई बिल्कुल तैयार। ये देखो कलर भी इतना अच्छा आया हुआ है, बहुत अच्छा। ये देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया छोले हमारे बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। वो बारिश लगातार चली रही है, अभी 1-1.5 घंटा जम के बारिश हुई बहुत तेज़ और बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए बारिश को, देखिए और मज़े लीजिए बारिश के। हमारी भतीजी बना रही है, यहाँ वीडियो लगी हुई है बनाने के लिए। हमारा टीवी चल रहा है, बेटा हमारा सोया हुआ है और हम सब बैठे हुए हैं आराम से। और अब हमारे बन रहे हैं यहाँ भटूरे, थोड़ा देर में बनाए क्योंकि आटा सेवा और बेटा उठेगा लेट, तो इसलिए हमने सोचा चलो रुक के बनाते हैं अभी भटूरे। ये देखो बहुत अच्छे और स्वादिष्ट बने थे भटूरे खाने में। आप लोग भी आइए और खा लीजिए भटूरे कैसे बने हमारे, और बताना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बने थे। बाहर दुकानों पे खाना हमें बिल्कुल भी पसंद है, अच्छे भी नहीं लगते, खा लेते हैं कभी कभी हो गया, लेकिन ज़्यादातर हम घर में ही बनाते हैं, घर के हमें अच्छे भी लगते हैं। अब हमने तैयारी कर ली बिल्कुल बनाने की, मतलब बनाने शुरू हो गया है तैयारी नहीं, तो इसलिए बहुत ही मतलब टेस्टी और अच्छे स्वादिष्ट बने थे। और आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे भटूरे कैसे लगे हैं, कैसे बने हैं। बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही मतलब एकदम फर्स्ट क्लास। और ये हमने सोचा तेल तो गर्म हो चुका है, अब थोड़ी कचरी डाल देते हैं इसमें, जो बिल्कुल ही गैस हमने बंद कर दी थी, तेल था गर्म और उसमें ही साथ के साथ कचरी डाल दी। बहुत अच्छी बन गई कचरी हमारी, बन के बिल्कुल हो गई है तैयार। ये देखो कितनी सारी कचरी हमारी बन गई,
बिना गरम बिना गैस चलाए ही हमारी कचरी बिल्कुल अच्छी बन गई। और यहाँ हम खा रहे हैं अब छोले और भटूरे सब बैठ करके। ये देखो, और यहाँ बेटर ने बना चला रखी अपनी टैब और हम सब लगे हुए हैं खाने में। छोले और भटूरे बहुत अच्छे लगे जो बन के। और 12:30 बज चुके हैं, बेटा फिर जाए बेटे की, लेकिन नहीं कि आज है छुट्टी। और अब फिर चलते हैं मार्केट, जो हमें जाना है सब्जी। जब हम गए मार्केट में तो हम उधर से सब्जी नहीं लेके आए थे, क्योंकि वहाँ सब्जी नहीं अच्छी मिलती। जहाँ मिलती है हम वहाँ जाते हैं, जहाँ से अच्छी और फ्रेश ताज़ी सब्जी मिलती है हम वही जाते हैं, और अच्छी भी मिल जाती है सब्जी भी, कोई दिक्कत सब्जी में नहीं होती, बिल्कुल भी एकदम फ्रेश मिल जाती है और अच्छी भी रहती है, ताज़ी भी रहती है, इसलिए हम वहीं से लेके आते हैं सब्जी। अब हम चलते हैं मार्केट की ओर। मार्केट का भी काम रोज रहता है, कभी कुछ घर में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ रहता है, कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है थोड़ा, इसलिए मार्केट में जाना भी ज़रूरी है और सामान लाना भी ज़रूरी है। और मैं जा रही हूँ, और अब हम लोग आ गए हैं मार्केट से। और यहाँ बन रहा है हमारा तेल सर में लगाने वाला, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ, एलोवेरा और लहसुन प्याज सब वो टमाटर को छोड़कर बहुत सारे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, और बहुत तरह के इसमें है तेल डले हुए, जो मतलब तेल इतना अच्छा बनता है बालों के लिए, जो एक दवा का काम करता है, बालों को झड़ना, बालों में डैंड्रफ, बालों में झड़ने की शिकायत, डैंड्रफ की शिकायत, दो मुँह बाल, हर चीज़ को रोकता है बालों को, बिल्कुल एकदम निरोगा बालों को। ये देखो हमारे बाल कितने अच्छे और कितने सुंदर लग रहे हैं इस तेल से। और ये है हमारी फिर अगले दिन की वीडियो, जहाँ हम बना रहे हैं फिर खाना। और ये हम लाए थे कच्चे आम, टमाटर, तोरी, मतलब सब सामान लेके आए थे, वो सब धो दिए और फिर उनको सुखा करके फ्रिज में लगा देंगे। और यहाँ हो रही है खाना बनाने की तैयारी, जो बना रहे हैं हम तोरी की सब्जी, जो बच्चे बहुत कम खाते हैं लेकिन खानी पड़ती है। आज की अब इतनी बारिश हो गई कि सब्ज़ी भी कोई ढंग की नहीं मिल रही है जाके मार्केट से, लेकिन जो भी मिली वही लेके आ गए। क्या बनाए, सुबह बना ले तो शाम की टेंशन, और शाम को बना ले तो सुबह की टेंशन। एक लेडीज की सबसे बड़ी इंटरनेट